Hello ji, welcome to Master My Fitness. I'm Ravi Sapra and this is day 6 of lockdown in Delhi. और आज धूप इतनी तेज़ है कि मेरी आँखें नहीं खुल रही. एक मिनट. हाँ अब ठीक है. तो दिस इज़ डे 6 ऑफ लॉकडाउन इन दिल्ली. और कल इतनी तेज़ बारिश हुई है कि यार एकदम मौसम साफ मॉरिशन है नहीं, तो धूप इतनी तेज़ पड़ रही है कि आँख खोलना मुश्किल हो रहा है. खैर लेट्स बिगिन. अब आज जैसे से यार डे 6 है तो मैंने अपने थोड़े लाइफस्टाइल में चेंजेस करे हैं इन दिनों में. जैसे कि हम सारा दिन घर पे हैं तो ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट पे ज़रूर कंट्रोल करके रखें. अब हमारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही हैं, ये तो यानी कि हमारे पास अबंडेंस में है और हम जितना मर्जी अपने घर में स्टोर करते रहें वो अच्छा नहीं है. और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है. तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज़ करें और जितना हो सके हम लिमिटेड डाइट लें. इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारी डाइट कंट्रोल में रहेगी, दूसरा हम रिसोर्सेज को भी बचा के रखेंगे. ऐसे में मैंने अपनी डाइट अभी इस वक्त क्या बना रखी है कि मैं इस वक्त सिर्फ 2 टाइम प्रॉपर मील ले रहा हूँ और 1 टाइम में फ्रूट्स खा रहा हूँ. मैं भी वर्कआउट करने के बाद 1 ग्लास नींबू पानी पीता हूँ, 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा वार्म ल्यूक वार्म वाटर डाल के. लेमन जूस जो है वो हमारा फैट काटता है और उसमें विटामिन सी होता है जो हमारे गले के लिए भी अच्छा होता है. दूसरा मैं हनी डालता हूँ जो वर्कआउट करते हुए मेरी बॉडी से सॉल्ट सिक्रीट हुए हैं स्वेटिंग के थ्रू, वो रिप्लेनिश हो जाते हैं. दूसरा एक एनर्जी मिलती है. फिर मैं ब्रेकफास्ट में थोड़े से फ्रूट्स खाता हूँ. उसके बाद लंच किया, लंच में बहुत ही लिमिटेड एक कटोरी दाल खा ली जिससे प्रोटीन भी मिल गया. दूसरा मैंने रोटी खा ली उससे मेरे को कार्ब्स मिल गया, रोटी या चावल जो भी मिल जाए. फिर डिनर में मैं कोई भी एक सब्जी खाता हूँ साथ में रोटी खाता हूँ. और टाइम मैंने कुछ ऐसा लगा रखा है कि मैं बहुत अच्छा गैप दे रहा हूँ खाने के बीच में. जब मैंने 1 बजे के आसपास अगर लंच कर लिया तो मैं 7-7:30 तक अपना डिनर कर लेता हूँ और रात को सोते टाइम 1 ग्लास दूध पी के सो गया. इस तरह शेड्यूल हम सबके लिए अच्छा है बिकॉज जैसे हम घर पर ही हैं, ज़्यादा हमारी फिजिकल एक्टिविटी इस वक्त हो नहीं रही है तो उसमें हमारा फैट बढ़ना बहुत जल्दी शुरू हो सकता है. तो भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अच्छे से प्रॉपर अच्छी डाइट लें, लिमिटेड डाइट लें और वर्कआउट जरूर रेगुलरली करते रहें. तो इसी के साथ मैं आज की 5 एक्सरसाइजेज लेके आया हूँ. आई होप यू आर फॉलोइंग ऑल द एक्सरसाइजेज और आप अच्छे से कर भी रहे होंगे. कोई अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर भी कीजिए और अगर आपके कुछ टिप्स हैं इम्प्रूवमेंट के लिए तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइए. तो चलो आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं. हमेशा की तरह पहले वार्म अप, स्ट्रेचिंग, देन एक्सरसाइजेस.
ऑलराइट गाइस, तो ये थी मेरी आज की 5 बेसिक एक्सरसाइजेस। आई होप यू लाइक द वीडियो। ये आप घर में आराम से कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर जाना है या बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, आराम से आप कीजिए। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और मैं रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही वीडियोज़ और लाता रहूँगा। अगर आपको और वीडियोज़ देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।